नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई वेब श्रृंखला रजनी सी सही के फिल्म रिव्यू के बारे में। जाने क्या है स्टोरी और कैसी रही फिल्म, देखें सब कुछ। फिल्म में आपको अमला पोल बॉबी स्टैंड इन के रूप में आमन परवेज श्रृंखला को में इनको देखना बेहतर होगा। जिन लोगों ने 1970 के दशक से हिंदी फिल्म उद्योग का अनुसरण किया है, उन्हें इस बात का अच्छा अंदाजा होगा कि कहानी किस बारे में है और इसकी कथा में क्या संकेत है। रजनीश ही सही महेश भट्ट की तीसरी स्क्रीन प्रवीण बाबी के साथ उनके संबंधों की कहानी है। पहली एक निर्देशक के रूप में उनकी पहली बड़ी हिट थी और दूसरी 2006 की फिल्म वो लम्हे थी, जिसे उन्होंने लिखा और निर्मित किया। महेश भट्ट द्वारा निर्मित यह वेब शो पुष्पदीस भारद्वाज द्वारा लिखित और निर्देशित है। दोस्तों आपको बता दें, रजनी सी सही वेब सीरीज 8 एपिसोड की सीरीज है। महेश भट्ट के विपरीत जिनके पास 2 फिल्मों में अपनी कहानी बताने के लिए सीमित स्क्रीन समय था, पुष्पदीस भारद्वाज के पास 8 एपिसोड हैं, जो अनुभवी फिल्म निर्माता के बचपन और संघर्ष में भी शामिल हैं। जब वह दिवंगत प्रवीण बाबा के साथ रिश्ते में आए, दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि उन्होंने कहानी और कई पात्रों को आगे पीछे करने के लिए पर्याप्त समय लिया और यह 5वें एपिसोड के बाद के भाग तक नहीं है कि गति पकड़नी शुरू हो जाती है। कहानी के क्रमिक रूप से सामने आने के लिए पिछले 3 एपिसोड अधिक हैं। हालांकि पुष्पदीप ने इसे आप तक नहीं पहुँचने दिया। शानदार लाइनों के लिए धन्यवाद उन्होंने सहायक कलाकारों सहित अपने सभी पात्रों को दिया है। ताहिर राज भसीन ने शंकर बत्स के जटिल हिस्से में अपना दिल लगा दिया है। वह एक बुरी तरह से डिजाइन किए गए बिग को अपने चरित्र के असंख्य भावनाओं से भरे एक मजबूत प्रदर्शन को देने के रास्ते में आने नहीं देता है। हालांकि वह कुछ उदाहरणों में पथकथा से निराश होता है, जहां वह थोड़ा खोया हुआ दिखता है। दोस्तों आपको बता दें, अमृता ने एक बहुत ही अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है इस वेब सीरीज में। अमृता पुरी ने अंजू के रूप में एक ईमानदार प्रदर्शन किया है और कुछ हाईलाइट दृश्य हैं जिसमें वह शंकर को थप्पड़ मारकर अपनी बेटी आरती को लेकर टूट जाती है। दूसरा तब होता है जब वह और आमना पहली बार मिलते हैं। अमला पोल के पास शायद सबसे कठिन हिस्सा है, न केवल आमना जिस दौर से गुजर रही है उसे चित्रित करना, बल्कि संवेदनशीलता और गरिमा के साथ भी। वह निराश नहीं करती है, अपने चरित्र को इतना आश्वस्त करती है कि आप उसके लिए महसूस करते हैं। जरीना बहाम ने बत्स के भाई की माँ रुखसार की भूमिका बड़ी कृपा से निभाई है। पारस प्रियदर्शन, नैना सरीन, मदन देवधर, सौरभ सचदेवा और हृदय चंद्रा अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाते हैं। दोस्तों रंजीत सी सही 1970 के दशक से हिंदी फिल्म उद्योग का अनुसरण करने वालों के लिए एक उदासीन यात्रा की तरह है और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने पुराने जमाने की फिल्में नहीं देखी हैं। यह इस दिलचस्प कथा, बहुमुखी साउंड ट्रैक और अद्भुत प्रदर्शन के लिए एक अच्छी घड़ी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।